तो कहानी के शुरुआत में एक बूढ़ा अपनी स्टोरी बताता है जो एक शराब बनाने वाली कंपनी का मालिक और बहुत बड़ा बुलक्कड़ है वो एक बार तो अपनी गाड़ी का वाई पर चलते चलते उसको वहीं छोड़ देता है एक सीन में बूढ़ा अपनी पत्नी की कब्र पर फूल चढ़ाने जाता है वहाँ वो बीमार हो जाता है फिर वहाँ से एक औरत बूढ़े के दोनों भांजे को फ़ोन करती है फिर दोनों बूढ़े के भांजे फ़ोन करते ही वहाँ पर उन्हें लेने आ जाते हैं दोनों अलग अलग गाड़ी लेकर आते हैं मेरे को तो दोनों देखने में बिल्कुल थूक के पकौड़े जैसे लग रहे होते हैं फिर वो उस बूढ़े को देखने घर के अंदर जाते हैं और यहाँ एक औरत रोते रोते बोलती है इनको यहाँ से ले जाओ मेरा पति आने वाला है फिर पता चलता है बूढ़ा अपना शैम्पू गिराते गिराते वहाँ पर उसको हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया उनमें से एक आदमी को वहाँ बूढ़े के पास उसी औरत की एक चड्डी भी पड़ी दिखती है और फिर वो दोनों थूक के पकौड़े बूढ़े को लेकर घर पर चले जाते हैं यहाँ घर पर बूढ़े के बेड के पास काफ़ी लोग खड़े दिखाई देते हैं जिसमें एक नौकर एक नौकरानी और बूढ़े की वाइफ के तीन भांजे भांजिया पहला गुश्ता वो जो आर्मी रिटायर है और गुस्तावो की दो बहन इटालिया और जोल जोल का हस्बैंड बनी तो जो इनके घर में ही रहता है और इटालिया का एक बेटा भी होता है एडोनिस जो बूढ़े के बीमार होने से थोड़ा रोता रहता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सब बाकी खुश रहते हैं क्योंकि बूढ़े से किसी को प्यार नहीं होता सबको उसकी प्रॉपर्टी से प्यार होता है एक सीन में बहनी तो किसी मिस्टर कीज को फ़ोन करता है और बोलता है आप दो दिन में आ जाए हम शराब की फैक्ट्री आपको बेच देंगे और एक सीन में दोनों नौकर नौकरानी शराब की फैक्ट्री में जाते हैं वहाँ नौकर नौकरानी को बोलता है तुम नंगी हो जाओ पर नौकरानी मना कर देती है फिर नौकर बोलता है तुम्हें शराब दूंगा और वो नौकरानी वही मान जाती हैं जैसे जैसे नौकर शराब देता है वैसे वैसे नौकरानी अपने सारे कपड़े निकाल कर अपना गठीला बदन दिखाती हैं। फिर वो नौकर नौकरानी की सील तोड़ने उसकी तरफ जैसे ही जाता है वो नौकरानी वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो बैनित तो के सामने चली जाती है बैनितों उसके बदन को देखकर सोचता है इसकी तो बाद में लूंगा और फिर उसे वहां से भगा देता है दो दिन निकलते हैं दो दिन बाद बैनीतों के ऑफिस में मिस्टर केस पहुँच जाते हैं और बैनितों से कंपनी का एग्रीमेंट साइन करने को बोलते हैं पर बैनीतो बोलता है हम सभी साइन कर देंगे पर बूढ़ा नहीं करेगा फिर मिस्टर केस बोलता है जल्दी बूढ़े को मारो नहीं मैं कंपनी खरीद नहीं पाऊंगा तो फिर वो सभी डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर बूढ़ा कैसा है तो डॉक्टर बोलता है बूढ़ा अब बच गया अब उसको कुछ नहीं होगा फिर डॉक्टर बोलता है आप एक नर्स को हायर कर ले जो बूढ़े का हर वक्त ध्यान रखेगी ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है इधर बैनी तो बहुत गुस्सा हो जाता है और सट्या जाता है फिर चारों एक कमरे में बैठकर बातें करते हैं बूढ़े को मारने का प्लान बनाते हैं फिर वहाँ पर नौकरानी आती है और बोलती है डिनर खा लो फिर बैनी तो नौकरानी से पूछता है क्या तुमने भी बूढ़े का शैम्पू गिराया है वो बोलती है हाँ बहुत मजा आया था फिर वो स्माइल देकर कर वहाँ से चली जाती है और यहाँ बूढ़ा बताता है मेरा भांजा एक बार बाथरूम में अपना शैंपू गिरा कर उस पर फिसल कर पड़ गया और उसकी हड्डी टूट गई उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया वहाँ उसने काफ़ी सारी नर्स को अपना शैम्पू की बोतल दिखाकर पटा लिया था और वो एक नर्स के साथ बेड पर खूब सारा शैम्पू निकालता है और अपनी बोतल खाली कर देता है फिर वो नर्स को अपने घर ले जाता है ताकि वो बूढ़े का शैम्पू निकाल कर जल्दी मार डाले और इधर बैनितों की वाइफ को उस नर्स के बारे में पता चल जाता है वो बैनितों के सामान पर लात मार देती है और अपने सारे कपड़े निकाल देती है फिर बैनी तो औरत का शैम्पू निकाल देता है और इधर डिनर के वक्त नर्स एडोनिस को देखकर उसका शैम्पू निकालने की सोचती है इधर एक सीन में घुसता हुई गुफा में लेट कर नौकरानी के अंदर का सामान देखने की कोशिश करता है पर नौकरानी उस पर पानी फेर देती है और एक सीन में नर्स स्विमिंग पूल में नहाती है यहाँ एडोनिस उसको छुपके से देखता है और वो नंगी होकर नहाती रहती है एक सीन में मिस्टर की बैनितो को फोन करके बोलता है बूढ़े का शैम्पू जल्दी गिराओ वरना मैं तुम्हारी कंपनी नहीं खरीदूंगा अब आगे दिखाते हैं एडोनिस नर्स को एक लेटर में गंदी बात लिखकर उसे भेजता है उसमें लिखा है ये गांड सरोटों का रंग सुनहरा ये झेल सी काली चूत तेरी राज है इनमें कोई गहरा तो ये सुन के बूढ़े का खड़ा हो जाता है और वो नर्स के चूतड़ पर हाथ मार देता है ये देखकर डॉक्टर वहाँ आता है और बोलता है बूढ़े की तबीयत में काफी सुधार है फिर बैनीतो नर्स को बुलाकर बोलता है अब तुम्हें बूढ़े की शैम्पू की बोतल खत्म करनी ही पड़ेगी नहीं मिस्टर कीज मुझे मार डालेगा फिर नर्स बूढ़े के पास जाती है और अपने तरबूज बूढ़े के मुंह में लगाने वाले ही होती है इतने में वहाँ एडोनिस आ जाता है फिर तुरंत बूढ़ा कहता है जा बेटा जा बूढ़े को बुढ़ापे में एक आखिरी बार शैम्पू निकाल लेने दे फिर वो उसको वहाँ से भगा देता है फिर वहाँ बैनी तो आ जाता है और बूढ़ा सोचता है आज ही सारे गंडवे आएंगे फिर तो नर्स को एक शैम्पू गिराने की किताब दे जाता है फिर बूढ़ा शैम्पू की बोतल से शैम्पू निकालने शुरू कर देता है इतने में बहन का लोड़ा घुसता वो अपने परेड शुरू कर देता है फिर बूढ़े का खड़ा वहीं बैठ जाता है और वो सो जाता है फिर आगे दिखाते हैं एडोनिस नर्स को ढूंढ रहा होता है पर इधर तो नर्स को बेनेटो लपेट रहा होता है और सेक्स के टाइम बेनेटो तो और नर्स बूढ़े को मारने की बोल रहे होते हैं इतने में वहाँ एडोनिस आकर उनकी बात सुन लेता है फिर दोनों की वहीं फट जाती है और बैनिंग तो बोलता है तुम एडोनिस को अपनी गुफा दिखाओ और वो वहीं पिघल जाएगा और तुम यहाँ से तभी जा सकती हो जब बूढ़े की शैम्पू की बोतल ख़त्म हो जाए यानी वो मर जाए फिर नर्स सीधा एडोनिस के कमरे में जाती है और जाकर सीधा नंगी हो जाती है फिर एडोनिस भी नर्स के ऊपर चढ़ जाता है और नर्स को लपेट देता है नर्स को लपेटने के बाद वो फिर से बोलता है तुम बूढ़े को मारना चाहती हो तुम खूनी हो पर नर्स उसको बोलती है मैं नहीं मारना चाहती बैनित तो मारना चाहता है इससे हम भी समझ सकते हैं नर्स बैनितो को भी धोखा दे रही है फिर नर्स एडोनिस को मना लेती है फिर एडोनिस बूढ़े को जाकर बता देता है की ये सभी आपको मारना चाहते है और नर्स को बचा लेता है फिर बूढ़ा गुस्सा होकर उन सबको घर से बाहर निकाल देता है और नर्स से शादी कर लेता है और रात को नर्स नर्सरात पर बूढ़े को सेक्स के लिए तड़पाती है और बूढ़े को सेक्स नहीं करने देती फिर बूढ़े की पल्स रेट बढ़ जाती है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है और फिर सारी प्रॉपर्टी नर्स के नाम हो जाती है और नर्स बहुत खुश हो जाती है और फिर ये कर...